हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल बोटनेक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी और ये प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज है। इसमें शोल्डर मैंने 7.75 रखा है और आर्म होल 7 लिया है। और ये ब्लाउज के लिए नेट और ऑर्गेंजा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से चारों साइड से स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगा ली है, अब बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे। नेक डिजाइन बनाने के लिए कैनवास पेपर लेना है। इसकी नेक विड्थ 4.25 इंच ली है और लेंथ 8.5 रखी है। और अब मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और नेक डिजाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से नेक डिजाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी डिजाइन बना लेनी है और अस्तर पर प्रेस से अटैच कर लेंगे। तो कैनवास पेपर अस्तर पर अटैच हो गया है। अब इसे बैक पार्ट के सेंटर में रखकर पिन से सेट कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे नेक पर। तो नेक में स्टिच लगा ली है, अब कैनवास पेपर को कट कर लेंगे थोड़ा मार्जिन लेकर। इस तरह से सेंटर से नेक कट कर लेंगे और डिजाइन के सेंटर में कट लगाकर कैनवास पेपर को पलट देंगे। इस तरह से नेक को अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे और स्टिच लगा लेनी है। और नेक में कैनवास पेपर को फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। इस तरह से नेक में स्टिच लगा लेनी है और बोट नेक के लिए अब नेट अटैच करेंगे इसमें। तो नेट को ऊपर रखकर पिन से सेट कर लेंगे और स्टिच लगा लेनी है चारों साइड से। तो नेट अटैच हो गया है, अब बाकी नेट को कट कर लेंगे साइड से और नेक डिजाइन में स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से नेक में स्टिच लगाएंगे। अब बोट नेक शेप ड्रॉ करना है तो उसके लिए लेंथ 2.5 इंच लेंगे और बोट नेक शेप कट कर लेना है। अब नेक में ओरेप पट्टी अटैच करेंगे और इसे अंदर साइड फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। तो स्टिच लगा लिए, अब वेस्ट में पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से पट्टी को वेस्ट के ऊपर रखकर स्टिच लगाएंगे और इसे ओपन करके धार स्टिच लगा लेनी है सेंटर से। अब पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो वेस्ट पट्टी अटैच हो गई है और बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो बैक डिज़ाइन आपको कैसा लगा गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी मैंने 7.75 शोल्डर लिया है क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों ही बोट नेक है। तो फ्रंट नेक लेंथ 3.5 ली है और नेक भी 3.75 ली है। तो अब अस्तर में मैन फैब्रिक अटैच करेंगे। मैन फैब्रिक को पिन से सेट कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे चारों साइड में। और इसी तरह से नेक में भी स्टिच लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक अटैच हो गया है, अब बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे साइड से। और अब इसी तरह से नेट को भी अटैच कर लेना है। नेट अटैच हो गया है, अब बाकी नेट को कट कर लेना है साइड से और सेंटर से बोट नेक को भी कट कर लेंगे। और हुक पट्टी फ्रंट में रखिए, तो सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लेना है और लाइन के दोनों साइड में स्टिच लगा लेंगे 0.5 के गैप में और लाइन से कट कर लेंगे। तो अब नेक में कैनवास पेपर यूज़ करेंगे। कैनवास पेपर को 2 फोल्ड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट को कैनवास पेपर के ऊपर रखकर एज इट इज़ नेक ड्रॉ कर लेना है।
और मार्जिन लेकर कट कर लेंगे कैनवास पेपर को। अब कैनवास पेपर को अस्तर पर रखकर प्रेस कर लेना है और नेक के सेंटर से कट कर लेंगे। अब कैनवास पेपर को नेक के ऊपर रखकर स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से 0.5 के गैप पर स्टिच लगाएंगे और कट लगाकर फोल्ड कर देंगे कैनवास पेपर को। और कैनवास पेपर को अंदर साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। अब इसी तरह से दूसरी नेक लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों नेक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसमें प्रिंसेस कट अटैच करेंगे। तो प्रिंसेस कट में पहले मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट में स्टिच लगा लेंगे और बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे साइड से। तो दोनों प्रिंसेस कट में मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब इसमें नेट अटैच करेंगे। तो दोनों प्रिंसेस कट रेडी हो गए हैं। अब इसको फ्रंट पार्ट में अटैच कर लेंगे। इस तरह से 0.5 के गैप में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे और प्रिंसेस कट के सेंटर से प्रेस लगा लेंगे। अब इसमें बेल्ट अटैच करना है तो पहले नेट और मेन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से नेट और मेन फैब्रिक को पिन से सेट करके स्टिच लगा लेंगे चारों साइड से और बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब बेल्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर सिर्फ वेस्ट लाइन से स्टिच लगाएंगे। वेस्ट लाइन में स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पलट देना है और चारों साइड से स्टिच लगा लेनी है। और अब बेल्ट को अटैच कर लेना है फ्रंट पार्ट में। इस तरह से बेल्ट अटैच कर लेंगे और बाकी फैब्रिक कट कर लेना है। और अब इसमें आई पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से 0.5 के गैप में स्टिच लगाएंगे और अब आई पट्टी को फ्रंट साइड में फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो आई पट्टी अटैच हो गई है और इसी तरह से हुक पट्टी भी अटैच कर ली है मैंने दूसरे पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें शोल्डर ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर ज्वाइनिंग कर लेंगे और अब शोल्डर ज्वाइनिंग के सेंटर से एक बार स्टिच लगा लेंगे। तो अब इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे और इसमें मैंने पफ स्लीव्स बनाई है। अगर आपको पफ स्लीव्स का ट्यूटोरियल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर में मार्क कर लेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें दोनों पफ स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब इसमें अंदर से मेन फिटिंग लगाएंगे। स्लीव्स अराउंड 11 इंच है तो उसका हाफ लेंगे 5.5 और स्लीव्स के सेंटर पर भी फिटिंग मार्क करेंगे जिससे पफ स्लीव्स में लूजिंग नहीं आएंगी और स्लीव्स राउंड से स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में मेन फिटिंग स्टिच लगा लेंगे। तो ब्लाउज रेडी हो गया है। आपको ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।